हेलो एवरीवन, मैं आज बनाने वाली हूँ लोटे में चावल और कुकर में दाल, और वो भी एक साथ। तो मैंने दाल ले लिया है 2 मुट्ठी के करीब, और उससे ऊपर मैंने पानी ले लिया है इसको अच्छे से वॉश करके। आप कोई भी दाल ले सकते हैं जो आपके घर में नॉर्मल सा दाल बनता है। इसमें मैंने लिया है 1 ग्लास चावल, और साथ में मैं लूँगी 2 ग्लास पानी। यानी इसी ग्लास से मैंने एक चावल लिया था और इसी ग्लास से मैं 2 ग्लास पानी लिया है। तो इसमें मैं 2 ग्लास पानी ऐड कर दूंगी, और थोड़ा सा मैंने 1 बूंद के लिए डाल दिया है, ताकि अगर बस ऐसे ही डाल दिया हल्का सा। और इसमें मैं 1 या 2 बूंद मैं इसमें जो हूँ नींबू का रस ऐड करूंगी, ताकि चावल जो है चिपचिपी सी ना हो और खिली खिली सी बने। और इसको मैं इसके बराबर के ढक्कन से ढक दूंगी और अंदर में रख देंगे। लेकिन इससे पहले कि दाल में मैंने नमक ऐड किया है, हल्दी ऐड किया है, और मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल मैंने ऐड किया है। जो सिंपल सा दाल बनता है दाल चावल में, मैं बिल्कुल ऐसे ही सिंपल बनाती हूँ। अगर कभी तड़के वाला दाल बनाना होता है तो मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, लेकिन सिर्फ चावल में खाने के लिए मैं सिंपल दाल बनाती हूँ। तो जैसे कि मैं डेली दाल बनाती हूँ, तो वैसे ही मैंने आपको बताया। आप चाहे तो इसमें कुछ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे भी आप दाल बनाते हो। ओके, तो अब मैंने जो डालना था इसमें मैंने डाल दिया। फिर इसको अच्छे से हम इसमें फिट कर देंगे, और इसे हम ढक देंगे कुकर के ढक्कन से अच्छे तरीके से। लेकिन आप कुकर वही लेना जो कि अच्छी से सीटी देती हो, और कुकर जब सही हो तभी बनेगा परफेक्ट दाल और चावल। और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 1 सीटी लगाएंगे। तो 1 सीटी में मेरा दाल और चावल बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। तो ढक्कन को मैं हटा दूंगी। ढक्कन ढकना ज़रूरी है, नहीं तो फिर चावल क्या होगा, अगर आप ढक्कन ढकोगे नहीं तो चावल सारा नीचे आ जाएगा और दाल में मिक्स हो जाएगा, इसलिए ढक्कन ढकना बिल्कुल ज़रूरी है। इसको मैं सावधानी से निकालूंगी, बहुत गर्म रहेगा। तो इस तरीके से मैंने निकाल लिया। और ये जो दाल है, आप अगर मथनी है तो मथनी से मैं दें। और इसमें मैं थोड़ी सी तड़का लगाने वाली हूँ, तो लाल मिर्च 2-3 कढ़ी पत्ता और ज़ीरा, बहुत लहसुन प्याज टमाटर वगैरह से भी तड़का लगाते हैं। तो चूँकि ये सिंपल था तो भी मैंने 2-4 कड़ी पत्ते इसमें ऐड कर दिया, नहीं तो मैं नहीं करती हूँ। तो थोड़ी सी अच्छा सा खुशबू और अलग सी टेस्ट आ जाती है दाल में कड़ी पत्ता डालने से। तो इसमें मैं ज़ीरा डालूँगी और अच्छे से इसको ब्राउन होने दूँगी। और ये बिल्कुल दाल जो है तड़का लग चुका दाल में, गरम गरम दाल में इसमें ऐड कर रही हूँ। और ये मेरा परफेक्ट दाल बन चुका है, चावल दाल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो चुका है। तो अब जबकि थोड़ा सा गर्म है ये लोटा, तो इसको मैं कपड़े से पकड़कर इसको पलट दूंगी आपको दिखाने के लिए कि देखिए चावल कैसा बना है। तो ये देखिए, तो ये देखिए परफेक्ट चावल बिल्कुल तैयार हो गया है। मैंने लोटे में ही बनाया है। ये देखिए बिल्कुल भी चावल चिपका नहीं है, अच्छे से निकल चुका था। और मैं इसमें साइड में रखूँगी दाल, और साथ ही साथ इसमें हम रखेंगे अचार। और चावल जो है बिल्कुल अच्छा से पक चुका है। लेकिन मैं एक सजेशन दूंगी, आप डेली दाल चावल जो है लोटे में और कुकर में मतलब एक साथ ना बनाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पतीली में बनता है आराम आराम से, वैसा वो कुकर का मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगता है कुकर का चावल। हाँ, कभी ऐसा लगे कि टाइम नहीं है, बहुत टाइम कम है दाल चावल खाने का मन है, तो आप ऐसे बना सकते हैं।